एक समय था पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर विहीन हो चुका था, लेकिन अब यहां बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। प्रकृति की लाख नेमतों के बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व की मंजली के दीदार हो जाएं, तो मान लीजिए आपका पन्ना आना सफल हो गया है। मंजली कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। मंजली की चाल ढाल देखते ही बनते हैं। पन्ना के जंगलों से मंजली की चाल की दास्तान पर पेश है दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ये वो जंगल है जिसका तिलिस्म तोड़ पाना नामुमकिन है। इस जंगल में कुदरत ने इतनी नेमतें दी हैं जिसका बखान करना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के इस जंगल को पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की भरमार है। अनगिनत वनस्पतियों का यहाँ जंजाल है। विंध्य पर्वत मालाओं का यह हिस्सा हर बार एक नई कहानी कहता नजर आता है। हर पल रंग बदलते पन्ना टाइगर रिजर्व में पहुंची दखल न्यूज की टीम। आज दखल न्यूज की टीम पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच चुकी है और यहां पर आज हम मुलाकात करेंगे जंगल के राजा शेर से। जी हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसका बहुत टूरिस्ट आते हैं और उनकी सिर्फ एक इच्छा रहती है कि कैसे भी करके शेर से मुलाकात हो जाए। तो उसी एक मुलाकात के इंतज़ार में हमने ये यात्रा शुरू कर दी है और जल्द ही जैसे ही हमारी आंखें चार होंगी शेर से, वैसे ही हम आपको फिर से जोड़ेंगे। पन्ना जंगल को 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये नामित किया गया। इसे 1994 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया। पन्ना भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व रहा। एक समय पन्ना में टाइगर के दर्शन नामुमकिन हो चुके थे, लेकिन अब बात अलग है। राजे महाराजाओं के इस हंटिंग ग्राउंड में तब बाघ मारे जाते थे, अब यहाँ उन्हें संरक्षण मिलता है। ये जो दिखा रहे हैं ये हंटिंग बॉक्स है और यहाँ पर महाराजा लोग आकर शिकार करते थे। और पन्ना देखा जाए तो महाराजाओं के शिकार के लिए काफी मशहूर रहा है। एक समय ये था कि यहाँ टाइगर बिल्कुल खत्म हो चुके मेहमान। ये हंसी वादियाँ 2000 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है, जिसमें लाल सिर वाला गिद्ध, बार हेडेड हंस, हनी बुजार्ड और भारतीय गिद्ध शामिल है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में बाघ मतलब टाइगर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, नील गाय और भालू की अपनी अपनी दास्तानें हैं। जंगल के अपने नियम हैं और अपने तौर तरीके। छोटे जानवर यहाँ बता देते हैं टाइगर अभी जिंदा है। या लेपर्ड वगैरह दिखता है इनको या स्मेल आती तो ये अलार्म कॉल देते हैं, उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई जानवर है। बिल्कुल, ये जैसा कि मनोज जी ने हमको बताया कि बहुत मदद करते हैं ये, जब अलार्म कॉल देते हैं तो पता चल जाता है कि कोई जानवर हमारे आसपास है, जिससे हमें देखने में सहायता मिलती है। इस जंगल में कई बाघ हैं, यहाँ के गाइड उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। वे जंगल की नस नस से वाकिफ हैं, वे जंगल को समझते हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात से जंगल में लोगों को ले जाते हैं। ये जंगल जितने खूबसूरत और तिलिस्मी है उतने ही खूंखार टाइगर यहाँ राज करते हैं। ये सांबर डियर हैं और आप इनको बहुत नजदीक से देख सकते हैं। ये बहुत तादाद में हमको मिले हैं, ये बहुत नज़दीक से नज़र आ रहे हैं, ये भी खुश हैं हमें देखकर सेल्फी पोज दे रहे हैं और ये अपने भोजन की तैयारी में हैं। जी मनोज जी, ये अपना भोजन बिल्कुल अपने भोजन के लिए सोचती पत्ते खाता है। ये पेड़ को उनका अपन घोंट बोलते हैं, घोंट का पेड़ होता है जी, सांबर डियर है। घोंट का पेड़ जो है वो पत्ते दो पैरों पर खड़े होकर पेड़ से खाता है। और जंगल है, जंगल में एक साइकिल चलती है, ये पत्ते खा रहे हैं, शेर इनको खाते हैं। आगे मनोज जी, अब हम अपनी यात्रा आगे शुरू करें, देखते हैं कि अब आगे हमें और कौन मिलता है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी जाने जान, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। ऐसे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं क्योंकि हम हैं पन्ना के पन्ना टाइगर रिजर्व में। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत जंगल, घना जंगल। हमारे टूरिस्ट गाइड जो हैं वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर 12 मौसम, 12 महीने, 12 कैलेंडर के पेज बनाए जा सकते हैं। हर महीने का एक अलग नज़ारा यहाँ होता है और आज एक खूबसूरत नज़ारा हम भी देख रहे हैं। सुबह से बारिश हो रही है, काफ़ी धुंध है। पहली गाड़ी हमारी जो एंटर हुई है पन्ना टाइगर रिजर्व में, ऐसे में हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पन्ना की मंचली को और मनोज जी हमको बता रहे हैं
कि यहाँ पर नदी जो है वो 55 किलोमीटर बहती है और सबसे साफ नदी है। मनोज, ये जो 55 किलोमीटर नदी बहती है उसी पानी के सहारे ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो रहता है और यहाँ के जितने भी जानवर हैं वो वहाँ पानी पीने जाते हैं। पर नदी के सहारे तो रहते ही हैं, बाकी इसमें बहुत से नेचुरल सोर्सेस हैं वाटर के, जो जिसको हम लोग लोकल में झिरिया बोलते हैं, जैसे निगा छोला झिरिया, वहाँ पानी है। बगल में अपने जूड़ी नाला है, स्प्रिंग वाटर है और कुछ तालाब हैं, और समर में जो है हम लोग मैन मेड वाटर होल बनाए जाते हैं, उनमें ही पानी डाला जाता है, बाकी कैन रिवर तो है ही लाइफ है। मनोज जी ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, जिसको नॉलेज है वो, बाकी आजकल के लोग विश्वास कम करते हैं चीज़ों में तो वो तो भागते, बाकी जिसको पता है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका कैंसर भी ठीक हो चुका है जड़ी बूटियों से। जंगलों में रहते थे और उनको हुआ पता, हॉस्पिटल में पता चल गया, बाद में पता नहीं वो क्या क्या रिस्क लगाते रहे, पत्ते ठीक हो गए। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब तक एक भी बाघ का दीदार नहीं हुआ, तभी अचानक जंगल के इस रास्ते पर एक टाइगर के दीदार हुए। अपनी मस्ती में मस्त रमता जोगी की तरह टाइगर उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर हमारी गाड़ी थी, या यूं कहें हम जंगल के राजा के रास्ते पर उसको फॉलो कर रहे थे, या वो हमें अपने अंदाज में जंगल का दीदार करवा रहा था। हमें बताया गया है ये पन्ना टाइगर रिजर्व की महारानी मनचली है, जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। ये अपनी अदाओं और हरकतों से सबको आश्चर्य में डाल देती है। मनचली को यूं देख पाना किसी सपने के हकीकत में तब्दील होने जैसा ही है। ये देखिए, हम बिल्कुल उसके साइड से गुजर रहे हैं, उसके बगल से गुजर रहे हैं और ये यहाँ खड़ी मनचली, ये बिल्कुल पूरे अपने मूड में साथ में चलती हुई हमारे, और ये मनचली की बिल्कुल हम साइड से निकलेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पीछे आई है मनचली, और ये एकदम करीब हम उसके पहुंच चुके हैं, और ये थोड़ा तेज हो रही है। अरे जल्दी निकालो ना, ये मनचली, ये मेरी, ये बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ मनचली कहा। मुकेश जी, आप हमारे देश के टॉप टूरिस्ट गाइड हैं, इस प्रोफेशन में कैसे आए? क्या है, मेरा जो जन्म हुआ वो मेरा जो गांव है मटला, जंगल के पास से लगा हुआ, तो हमारे जो पापा जी थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे भले, तो उनका ये सारा ट्रिप लगता था, तो हमें जब भी मौका लगता था सब छोटे से जंगल के साथ गाँव से बहुत आते जाते रहते थे, तो एक अंदर से एक लगाव था जंगल से, बीच बीच में और भी जॉब लगे, हमने IHM किया, उसके बाद ललित में भी जॉब मिली तो मन नहीं लगा, फिर MP2F का जो जंगल कैंप है उसमें भी, लेकिन इस काम में मजा आता है। ये IHM करने के बाद, मतलब खाना पकाने के बाद, ये शेरों के बीच में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें रोज नया होता है, कुछ ना कुछ डेली नया होगा आपके साथ में, तो दोनों में फर्क है। IHM करके भी डिशेस रोज नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन लगा हुआ आपको जंगल से हो गया, एडवेंचर भी है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि जंगल जो है ना वो सबको अपनी ओर खींच लेता है, हमें भी अपने ओर खींच लाया है। आए हैं और मनचली को ना देखे तो यात्रा शायद पूरी नहीं होती, हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। हमारे टूरिस्ट गाइड मनोज ने हमको पन्ना की सबसे खूबसूरत टाइग्रेस मनचली दिखा दी है, और अब यहाँ पर आकर हमारा ये सफर खत्म हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।